हाँ जी करुणी साहब, क्रांति आंदोलन 50वां दिन है, लगातार किसान जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार भी अपना सही रवैया अपनाए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज हम नारायणखेड़ा में हैं, जिला सरसा में, और अति दुख होता है कई बार तो ये लोग 100 दिन से धरने पे बैठे हैं और 10 दिन से तो 13 किसान अनशन पे हैं और 4 किसान टंकी पे चढ़े हुए, और मांग कितनी सी है, मांग ये कहने का बीमा क्लेम है 2022 का, और वो 2022 का बीमा क्लेम इनका नहीं दे रहे, यानी अपना अधिकार मांग रहे, वो अधिकार मांगने के लिए भी सड़क पे बैठना पड़ रहा है, टंकी पे चढ़ना पड़ रहा है, मरण अंसर पे बैठना पड़ रहा है। तो अति दुखद है, और हमारा पूरा संगठन वैसे पहले भी यहाँ पे जो हमारा जिला की इकाई है वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ आज आए हैं और सरकार को चेतावनी भी इसके साथ में दे रहे हैं कि या तो जल्द इनका हल निकाले 15 तारीख तक, और वरना 16 तारीख को हम भी इनके साथ में बैठ जाएंगे। किसानों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट नहीं है यहाँ। बिल्कुल, मेरे को भी ये लगता है कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नहीं है, और आज भी एक किसान की हालत बिगड़ गई थी, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो लेकिन हैरानी इस बात की है कि पता नहीं सरकार है या कैसे निर्दयी लोग हैं जिनको मरता किसान नजर नहीं आता और अपना हक मांग रहे हैं, किसी का हक नहीं छीन रहे, उसके लिए भी तो सरकार को ही कानून बनाने चाहिए। तो सरकार जो है वो कंपनियों से पैसे ऐंठती है और अगले बार में फिर उसी कंपनी को ठेका दे दिया जिसने पिछला क्लेम नहीं दिया, तो ये अति दुखदायी है, और इसके लिए जो किसानों को बार बार लड़ना पड़ता है, तो मैं तो किसानों को ये भी कहूंगा कि जो यहाँ का MLA है या तो उसको धरने पे बैठ जाना चाहिए आगे भूख हड़ताल पे, और वरना उसको घुसने मत दें एरिया में, कौन सी पार्टी का मेरे को नहीं पता, लेकिन अजीत ने बयान दिया था कि 20 से 25 दिन लगेंगे क्योंकि कंपनी जो है वो कोर्ट में पहुंच चुकी है। कंपनी को कोर्ट में पहुंचाया गया है, कंपनी कोर्ट में क्यों चली गई? कोर्ट के फैसले को सरकार में बदलने की पावर होती है, कोर्ट में वो तब गए अगर कानून में कमी होगी। ये बात आप सबके लिए बता दूं, कोर्ट कानून नहीं बनाती, कोर्ट बने कानून को देखती है, अगर इन्होंने कहीं कानून में कमी छोड़ दी है तो वो कोर्ट में गए हैं, वरना कोर्ट में जाने का मतलब नहीं बनता। साहब, क्या बदलाव होने चाहिए इस बीमा पॉलिसी में, क्योंकि हर बार ये चलता रहता है, हर बार देखिए बीमा पॉलिसी हिसार में भी बुरा हाल था। मैं ये कह रहा, सभी जगह पे बस भूख हड़ताल, सभी जगह पे आंदोलन, सड़कें जाम, वो करने पड़ते हैं, लोग भी परेशान, हम भी परेशान, तो इसके सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। हमें ये नहीं पता कंपनी का दफ्तर कहाँ है, शायद आपको भी नहीं पता होगा, शायद यहाँ के जितने लोगों ने बीमा किया उनको भी नहीं पता, जिन बैंक ने बीमा किया उस बैंक को नहीं पता, तो कोई दफ्तर में तो नहीं है जहाँ पे जाके हम किसी को घेरे, किसी को पूछे, किसी से सवाल करें। तो ये जो तरीका निकाला है, ये कारपोरेट ने और सरकार ने मिलके, दोनों ने मिलके आम जनता को लूटने का एक फार्मूला निकाला। 15 तारीख के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि धरने में अभी 5 दिन और लग जाए, 15 तारीख, उसके बाद क्या पूरे हरियाणा में कॉल की जाएगी? जी बिल्कुल की जाएगी, या जो आंदोलन है वो यहाँ की कमेटी, अगवानी यहाँ की कमेटी करेगी, लेकिन उसका सहयोग अगर पूरे हरियाणा में जरूरत पड़ी, पूरे देश में जरूरत पड़ी तो किया जाएगा। देखिए, अगर कोई फैसला पॉजिटिव आता है तो स्वागत है, अगर नहीं पॉजिटिव आता है तो फिर हमारा अनपॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।